नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट करेंगे सोडियम मेटल का। ये मेटल जो कि पानी के साथ रिएक्ट होने पर बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व करता है। देखिए, सोडियम मेटल ये हमारे हाथ में इस समय क्या है, मैं सोडियम मेटल का डिब्बा लिए हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सोडियम मेटल कैरोसिन में रखा जाता है। इसके अंदर ये कैरोसिन है। कैरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। रूम टेम्परेचर पर भी इसमें आग लग सकती है, इसलिए इसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। अब ये ऐसा मेटल है जिसको हम काट सकते हैं। ये देखिए, ये सोडियम मेटल है, कैरोसिन से मैंने अभी निकाला आपके सामने। इसको हम लोग काट सकते हैं चाकू से, यानी कि ऐसा मेटल जो सॉफ्ट पाया जाए। देखिए, ये स्पैटुला है मेरे हाथ में और मैं इसकी मदद से सोडियम मेटल को काटने का प्रयास करूँगा। तो ये देखिए, ये सोडियम मेटल हमने काट लिया है। थोड़ा सा केवल रिएक्शन के लिए हमें थोड़ा सा ही चाहिए, बाकी काम वापस उसी डिब्बे में रख देते हैं। ये देखिए, ये आ गया हमारे पास सोडियम मेटल। अब देखिए पानी के साथ कितनी हाईली रिएक्ट होता है। ये हमने टैप वाटर ले लिया और टैप वाटर में अब हम इसमें डालते हैं ये सोडियम मेटल को, और देखिएगा आप क्या होता है, किस प्रकार से ये रिएक्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा है, इससे वो थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा होगा तो इसमें आग लग सकती है इतना। और इसको हमने इसमें डाल दिया। ये देखिए आप, पानी के ऊपर ही रहता है, पानी के ऊपर। ये देखिए, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, धुएं में के रूप में आपको दिख रही है। दिस इज़ हाइड्रोजन गैस। हम इसको फिर से डाल देते हैं। ये देखिए, ये जो गैस इवॉल्व हो रही है ये हाइड्रोजन गैस है, और ये इतनी तेज़ी के साथ रिएक्ट हो रहा है, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन जाते हैं, इसलिए ये इसको डूबने नहीं देते। अब जब ये पानी के साथ रिएक्ट हो गया है, अब हम देखेंगे इसका मीडियम कैसा है। कैसा मीडियम है, एसिडिक है और बेसिक है, तो अभी हम पता कर लेते हैं। दिस इज फिनोप्थिलीन, जो कि एक लैब इंडिकेटर के रूप में काम करता है। सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं फिनोप्थिलीन को, मिथाइल ऑरेंज को। फिनोप्थिलीन हमें पता है एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता है, और बेस के साथ मिलाने पर पिंक हो जाता है। तो अब इसमें हमने सोडियम की रिएक्शन कराई थी, अब उसके बाद देखते हैं पानी कैसा हो गया है। जो एक्टिव सॉल्यूशन है वो हमारा एसिडिक है या बेसिक। देखिए, इसको इसमें डालने से कैसा कलर हो गया, इसका पिंक कलर हो गया, यानी कि ये जो पानी है, जो एक्वस सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ है, दैट इज़ बेसिक इन नेचर। कैसा हो गया, बेसिक नेचर का हो गया, क्योंकि देखिए कलर चेंज हो गया फिनोप्थिलीन के डालने पर। फिनोप्थिलीन अगर पिंक कलर दिखाता है तो हमारा क्या होता है, वो बेस होता है। इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा टेस्ट था सोडियम विथ वाटर।